सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्म भट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे वाणी और मन के अलावा कर्म से किए जाने वाले पाप, व्यवहार में किए जाने वाले पाप है, कुछ पाप, पांच पाप है जो ईश्वर की नजर में यानी कि शिवजी के नजर में अपराध है और उसे ईश्वर कभी भी क्षमा नहीं करते। वो जो पांच पाप वर्णित है, पिछले भी मैंने कुछ पांच पाप बताए थे जो मन मन से किए जाते हैं, वाणी से किए जाते हैं, तो पांच ऐसे पाप है जो व्यवहारिक पाप कहे जाते हैं, कर्म से जो होते हैं। और भगवान शिव के लिए ये सारे पाप वो कभी भी क्षमा नहीं करते शिव जी। तो उसमें से सबसे पहला पाप है धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार यानी कि धर्म से विपरीत जो चीजें हैं जो हमको खाने के लिए मना की गई है, धर्म के विपरीत चीजों को खाना या तो धर्म के विपरीत कार्य करना, ये सब भगवान शिव के लिए अक्षम्य अपराध है। धर्म के विपरीत अगर आप कुछ भी करते हैं तो शिव जी उसे कभी भी क्षमा नहीं करते, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर दूसरा है छोटे बच्चे, महिलाएं, कमजोर जीव या तो मूंगे पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाना या उनके लिए हिंसा करना या उनकी हिंसा करना और असामाजिक कार्य में लिप्त रहना, ये सब शिवजी की नजर में अक्षम्य अपराध है। फिर तीसरा है वो है ब्राह्मण या मंदिर की चीजें चुराना या तो उनके धन संपत्ति में बुरी नजर रखना, ये भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है शिव महापुराण के अनुसार। और फिर उसके बाद जो चौथा पाप बताया गया है वो भी भगवान शिव के लिए अक्षम्य अपराध है, वो है अपने गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान करना या उनके लिए कटु वचन बोलना, ये भी सबसे बड़ा पाप माना गया है। और आखिरी पाप, पांचवा पाप, जिससे भगवान शिव भूलकर भी क्षमा नहीं करते, वो पाप है गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, यानी कि गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाला और दान में जो चीजें दी गई है उसे वापिस लेने वाला, ये भगवान शिव के लिए सबसे बड़ा पाप माना जाता है जिसे शिव जी कभी भी क्षमा नहीं करते। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।